हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद जसमीत। दिस इज जसमीत कौर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2019 कैसे क्रैक करें। तो इस वीडियो में हम ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट कि सीटेट है क्या, और सेकंड पॉइंट कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। थर्ड पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, और फोर्थ ये कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी और क्या पढ़ें हम, क्या क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो पहला पॉइंट यही है हमारा कि सीटेट है क्या। तो सीटेट की फुल फॉर्म सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो टेस्ट है हमारा कंडक्ट होता है जब आपकी टीचर ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ही ये आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। और फिर उसके बाद टोटल ये जो है 150 मार्क्स का होता है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्वालिफाइंग मार्क इसके अंदर होते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स होते हैं, यानी कि जो 60% होता है 150 का, और SC ST OBC के लिए 82 होता है, जो कि 55% होता है 150। ओके, नेक्स्ट है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो इसमें पांच पार्ट आते हैं हमारे, ठीक है। पार्ट ए जो होता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 मार्क्स का होता है। तो इसमें हमारी CD आती है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट वो होता है, जैसे आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा टीचर ट्रेनिंग में, अपनी एक बुक होती है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की, जितनी भी साइकोलॉजीज होती हैं, साइकोलॉजी बच्चों से रिलेटेड वो सब आती है इसमें, पेडागोजी पूरी आती है। और नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में दो पार्ट बाइफिकेशन है, जो कि है पेडागोजी 15 मार्क्स की और कंटेंट 15 मार्क्स का। तो पेडागोजी जो होती है 15 मार्क्स की, वो मेथडोलॉजी, टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड्स और ये सब, इन सब पे बेस्ड होती है। और कंटेंट जो है वो हमारा सॉल्विंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट है पार्ट सी, इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसमें क्या होता है हमारा, इन्वायरमेंटल स्टडीज में EVS आती है उसकी, पेडागोजी आती है 15 मार्क्स की, और कंटेंट आता है सेम वही बाइफिकेशन है। नेक्स्ट आता है पार्ट डी, लैंग्वेज वन, और पार्ट ई, लैंग्वेज टू। तो लैंग्वेज वन वो होती है जो आपकी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप, और आपकी स्ट्रांग है इंग्लिश, तो आप वो लैंग्वेज वन में चूज़ करेंगे। और अगर आपकी हिंदी ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप लैंग्वेज वन में हिंदी चूज़ करेंगे। दोनों में ही सेम चीज़ है, पेडागोजी और कंटेंट। अब पेडागोजी में इसमें तो टीचिंग मेथड्स और यही सब आता है, और कंटेंट में जो है यहाँ पर क्या आता है, कंटेंट में अनसीन पैसेजेस आते हैं। एक अनसीन पैसेज आएगा और एक अनसीन पोएम आएगी, दोनों में यही चीज़ है। जो लैंग्वेज वन होती है उसमें थोड़ा टफ आता है, जैसे इंग्लिश अगर लिया तो इंग्लिश में थोड़ा टफ आता है लेवल, और लैंग्वेज टू का जो लेवल होता है वो कंपैरेटिवली आसान होता है लैंग्वेज वन से। तो लैंग्वेज वन वही चूज़ करनी चाहिए जो आपका बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये आता है कि हाउ टू प्रिपेयर, हम कैसे प्रिपेयर करें इसके लिए। तो तीन स्टेप्स हैं बस, सिंपल से। पहला ये कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें ज़रूर, जितने भी पेपर्स हैं सीटेट के, अभी तक जितने भी सीटेट हुए हैं जून 2011 से लेकर अभी रिसेंटली जो 2018 में हुआ था, सारे पेपर्स जो हैं वो आपको देखने हैं। और सेकेंड ये है कि NCERT की बुक्स फर्स्ट टू फिफ्थ रिकमेंडेड होती हैं पेपर वन के लिए, कि फर्स्ट टू फिफ्थ की बुक्स पढ़ो। फर्स्ट टू फिफ्थ की बुक्स जो हैं EVS की और मैथ्स की, ये सब हमें फर्स्ट टू फिफ्थ की बुक्स पढ़नी होती है। लेकिन मैथ्स में एक चीज़ आ जाती है कि मैथ्स में ना फर्स्ट टू फिफ्थ का लेवल आता नहीं है। मैथ्स में जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो 6 to 8 के आते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि मैथ्स के लिए तो 6 to 8 ही पढ़ें। वैसे फर्स्ट टू फिफ्थ की बुक्स जो है हमें NCERT बुक्स पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट है टीचर ट्रेनिंग बुक्स। पेडागॉजी के लिए वही टीचर ट्रेनिंग बुक्स आपकी सफिशिएंट है। अगर आपने अभी अभी कंप्लीट करी है तो आप टच में होंगे। अगर आप मतलब एक बार एक गो थ्रू कर लो उन पॉइंट्स को, जो भी थ्योरीज हमने जैसे पढ़ी थी उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो वो सब जो है एक बार गो थ्रू करना है टीचर ट्रेनिंग बुक्स पे देखकर। ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजी एंड सोर्सेस। तो हमारे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और कहाँ कहाँ से हम पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, ये चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करनी है। तो पार्ट ए आता है जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। तो उसके अंदर बस दो चीज़ें मैं सजेस्ट करूंगी। पहली तो ये कि प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर्स, तो प्रीवियस पेपर्स को तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि CDP में क्या होता है काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड भी होते हैं। तो अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर रखे हैं तो आपका समझो 20-30% तो पेपर ऐसे ही हो गया, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स अच्छे से कर रखे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है रिपीटेड होती हैं और एक हमें फॉर्मेट पता लग जाता है। और दूसरा ये है कि हमें सिलेबस दे रखा है सीटेट का, सीटेट की साइट पे, जो कि साइट है www.ctet.nic.in। तो उस पर आप जाएं, वहाँ पे सिलेबस है। तो सिलेबस में हमें टॉपिक वाइज सारे दे रखे हैं, जैसे कि कोलबर्ग की थ्योरी है और वाइगॉट्स्की की थ्योरी है, और ये सब थ्योरीज वगैरह और जो भी है ये सब आपको एक बार पढ़ना है,
जैसे जैसे टॉपिक्स आ रहे हैं आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, समरीज पढ़ सकते हैं या फिर अपनी टीचर ट्रेनिंग बुक्स में से पढ़ सकते हैं। और हम आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पे इसके बाद। ये फर्स्ट वीडियो है हमारी सीटेट की, तो इसके बाद सीटेट की प्रिपरेशन भी होगी, तो आपको यहाँ से भी बहुत हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट है पार्ट बी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में क्या है, आपको क्या रेफर करना है, 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक्स। तो 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक्स रेफर करनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया। 1st to 5th वैसे बोला जाता है, और अगर आप सिलेबस में भी देखेंगे तो सिलेबस में यही लिखा है कि 1st to 5th लेवल आएगा, पर एक्चुअल में वो 1st to 5th लेवल होता नहीं है, वो 6 to 8 का ही लेवल होता है। तो आपको 6 to 8 लेवल आना चाहिए एनसीईआरटी बुक, किस चीज के लिए, कॉन्टेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट है पेडागॉजी। पेडागॉजी के लिए वही टीचर ट्रेनिंग बुक्स को रेफर करें, और इसमें कोई इतना ज्यादा आता भी नहीं है, वही सिलेबस आप देखो एक बार, सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं वो टीचर ट्रेनिंग बुक्स में ऑलरेडी होंगे आपके, जो पुरानी डीएलएड की बुक्स होंगी या डीएड होगा या जेबीटी या फिर बीएड, तो हर बुक्स में ये जो है ये सब टॉपिक्स बहुत कॉमन है और ये होते हैं, तो आप एक बार उन्हें रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट जो आता है हमारा पार्ट सी एनवायरमेंटल स्टडीज। अब इसके अंदर क्या है कि हमें चैप्टर्स, पहली बात तो ईवीएस जो है हमें लगती है 3rd से 5th क्लास तक, ठीक है। तो 3rd, 4th और 5th तीन बुक्स हैं आपके पास, तीन बुक्स में से समरीज पढ़ लीजिए हर चैप्टर की, यानी कि समरीज आपको नेट पे मिल जाएंगी, या फिर ऐसे ही अगर आप अगर एनसीईआरटी की बुक्स भी खोलेंगे तो आपको ऊपर ऊपर हेडिंग्स देखोगे, आपका बहुत जल्दी जल्दी एक चैप्टर कवर होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो फटाफट हो जाएगा, ऐसा कोई इतना ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। और इसके अंदर जो ईवीएस है ना, ईवीएस एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपका 20 to 25 मार्क्स का सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है एनसीईआरटी में। और जो पेडागॉजी होती है वो बहुत कम आती है इसमें, मतलब जनरली जितने भी पेपर्स आए हैं आप देखोगे अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो आपको पता होगा कि काफी जो है वो कम आता है पेडागॉजी का सेक्शन, और जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा फोकस होता है। तो 3rd to 5th क्लास की एनसीईआरटी जरूर पढ़े। नेक्स्ट है पार्ट डी लैंग्वेज, लैंग्वेज वन। तो लैंग्वेज वन जो है हो सकता है वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू के लिए सेम चीजें हैं। तो पहला तो यही है कॉन्टेंट, कॉन्टेंट जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है अनसीन पैसेजेस आते हैं और अनसीन पोएम आती है एक, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, उसी से ही आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस के लिए ही चाहिए बस आपको कंटेंट के लिए। और कंटेंट में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटीग्रेटेड ग्रामर से रिलेटेड, जैसे पूछ लिया कोई भी क्वेश्चन, एक अनसीन पैसेज दे रखा है तो उसमें उसका विलोम शब्द पूछ लिया, या कई बार कोई भी मतलब ग्रामर का भी टॉपिक जनरली पूछ लेते हैं कोई भी, तो ग्रामर आपको आनी चाहिए, ठीक है, हिंदी हो या चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश में पूछ लिया, पोएटिक डिवाइस पूछ लिया, तो ये सब चीजें जो है जनरल जनरल जो टॉपिक होते हैं वो आपको आने चाहिए। और फिर आता है पेडागॉजी। पेडागॉजी के लिए वही है कि सिलेबस आप देखें, हर एक पेडागॉजी की सिर्फ एक ही चीज है कि सिलेबस देखो, सिलेबस में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और उन पॉइंट्स को कहाँ से देखो, टीचर ट्रेनिंग बुक्स में से देखो, वहां बहुत अच्छे से मिलेगा, नहीं तो अगर आपके पास टीचर ट्रेनिंग बुक्स भी नहीं है तो नेट पे सिर्फ गूगल पे थोड़ा सा सर्च करो, जैसे थ्योरीज हैं तो थ्योरी आ जाएगी, एक बार बस रीड मारना, बस हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, सीटेट की पूरी प्रिपरेशन जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, मैथ्स के कंटेंट के टॉपिक्स, बिकॉज पेडागॉजी फिर भी आप बुक्स में से, अपनी टीचर ट्रेनिंग बुक्स में से अच्छे से पढ़ी है तो आप पढ़ लेंगे और ज़्यादा उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इन सब की वीडियोज मैं डेली अपलोड करूंगी। साथ ही हमारा फोकस इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स पे होगा जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। यू कैन ऑल्सो फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज स्टडी विद जसमीत। थैंक यू।